हेलो एंड वेलकम टू आकांक्षा अगेंस्ट हैरेसमेंट। आज हम बात करेंगे हाउ योर ऑनलाइन बिहेवियर कैन सीरियसली इम्पैक्ट योर फ्यूचर। एक वो ज़माना था कि कोई न्यूज़पेपर उठा के फाड़ के फेंक दिया, चलो ठीक है, कोई रिकॉर्ड नहीं रहा उसका, या हो सकता है आपने किसी लेटर में किसी को कुछ गलत सलत लिख दिया हो, कोई बात नहीं, लेटर मिल गया, फाड़ दिया, फिनिश हो गया। बट टुडे टाइम्स हैव चेंज्ड एंड अगर आप ऑनलाइन किसी को ट्रोल करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हेटफुल कमेंट्स करते हैं, टारगेट करते हैं, इफ़ यू आर अ बुली एंड इफ़ यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट द कंट्री इनकरेक्टली अनलॉफुली, ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स मतलब आप जो भी लिखते हैं वो डिजिटल मेमोरी से कभी भी इरेज नहीं हो सकता, ये अब इटर्निटी के लिए बरीड है वहाँ पे। आप चाहे अपनी पोस्ट डिलीट कर दें, आप अपना कमेंट डिलीट कर दें, आप अपना अकाउंट डिलीट कर दें, लेकिन वो कहीं ना कहीं रजिस्टर हो चुका है एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी टू ट्रेस इट। हाउ विल इट इम्पैक्ट योर फ्यूचर? आपको ऑलरेडी पता होगा कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अब हायर करते समय, किसी को भी हायर करते समय, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बहुत केयरफुली देखती हैं। वाई? बिकॉज नोबडी वॉन्ट्स टू हायर अ ट्रबल मेकर। मैं खुद नहीं चाहूँगी कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे लोग हों जो ट्रबल क्रिएट करें या किसी को अब्यूज़ करें, ट्रोल करें, क्योंकि कोई इंसान जो सोशल मीडिया पे ऐसा बिहेव करता है वो डेफिनेटली ऑफलाइन भी ऐसा बिहेव कर सकता है एंड वी डोंट वॉन्ट दैट हिस्ट्री। आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ अब वीज़ा देने में हिचकिचा रही हैं, वो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी कर सकती हैं अगर आप बहुत सारा रिलीजियस हेट इंसाइट करते हैं या आपकी मतलब आदत है कि आप सोशल मीडिया पे ट्रबल क्रिएट करते हैं, दे कैन रिजेक्ट योर वीज़ा। एंड जैसे जैसे टाइम्स आगे बढ़ेंगे, आपकी ये जितनी हिस्ट्री है, जितनी डिजिटल फुटप्रिंट है, यही आपकी प्रोफाइल, आपकी पहचान बन जाएगी। Do you really want to spoil your chances in future? And usse badi baat, is it ethically correct? Iska ek bada interesting dusra side bhi hai ki agar digital footprint itni strong cheez hai ki wo kabhi erase nahi ho sakte and hamesha hamesha eternity ke liye wahan pe hain, aap isko bahut achhi tarike se apne favor ke liye use kar sakte hain. Aap kyun na social media aur internet ko ब्लॉग्स लिखने के लिए यूज़ करिए, अपनी स्किल्स दिखाइए, अपने अच्छे ओपिनियंस शेयर करिए, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस शेयर करिए, लेकिन रिस्पेक्टफुली दूसरों की हेल्प करिए, यूट्यूब पे अपने वीडियोस शेयर करिए, सोशल मीडिया पे पिक्चर्स शेयर करिए। आज के दिन में तो छोटे छोटे बच्चे, यंग किड्स ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, कंट्री की हिस्ट्री बता रहे हैं। व्हाई डोंट यू यूज़ इट इन अ वेरी गुड माइंडफुल मैनर? स्लोली जैसे ये सब कोलेट होता जाएगा, आपकी प्रोफाइल ब्यूटिफुली शो अप करेगी, आपके सर्च रिजल्ट्स अच्छे होंगे, आपके नाम को जब सर्च किया जाएगा इट विल बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव, इट विल बी वेरी पॉजिटिव, यू विल लुक लाइक अ गुड पर्सन दैट यू आर। प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। सो प्लीज़ डोंट लेट एनी बैड बिहेवियर इम्पैक्ट योर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आपने गलती से कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं विच यू रिग्रेट नाउ? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे आपने इंटरनेट या सोशल मीडिया को बहुत ब्यूटिफुली यूज़ किया है अपना प्रोफाइल बनाने के लिए? आपका यूट्यूब चैनल है, आप गाते हैं, आपका कुकरी शो है, आप ब्लॉग्स लिखते हैं, प्लीज़ प्लीज़ डू शेयर विद मी इन कॉमेंट्स। I would love to see. Stay aware, stay safe.